मॉर्निंग डियर फ्रेंड, थ्रू है इंडियन टीम, थ्रू है तुम्हारे ऊपर। अपना बेस्ट कैपेबिलिटी की टीम्स को ले जाके तुम इंडिया में मैच खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से तुम हार जा रहे हो सीरीज, और ये तुम्हारी टीम जो है, जो वर्ल्ड कप की टीम है, कोई रेस्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये बेस्ट फॉर्मेट में तुम टीम खिला रहे हो और 2-1 से सीरीज हार रहे हो, थ्रू है तुम्हारे पे। जीता जीता मैच हार जा रहे हो, थ्रू है। सबसे पहले एक एक करके आएंगे, सबसे पहले हमारा बात करेंगे रोहित शर्मा, अपने साले की शादी से आए, पता नहीं हैंगओवर से उतर भी नहीं पाए। क्या कैप्टनशिप किया रोहित शर्मा, तुम क्या कैप्टनशिप किया, 202 पे गिर गया था 7 विकेट, उसके बाद वहां से तुम्हारा 10 विकेट 269 बना दिया, 202 पे 3 विकेट खींच दिया तेरा 60 रन। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या, तुमने हार्दिक पांड्या से 8 ओवर के बाद बॉलिंग ही नहीं करवाया, जो तुम्हारा जो बेस्ट बॉलर था, जो शुरुआत के विकेट लेके दिया थी, उसे तुम बॉलिंग ही नहीं कराया। अबे ऐसे कैप्टनशिप कौन कर रहा है, हार्दिक पांड्या को तुम ये साइड बॉलर की तरह खिलाए तो उसको क्यों नहीं कराया 10 ओवर, मेरे को पता ही समझ नहीं आया। व्हाट काइंड ऑफ कैप्टनशिप यू आर डूइंग रोहित शर्मा देयर। माना कि कुलदीप यादव 5 विकेट लिया, लेकिन हार्दिक पांड्या क्यों नहीं कराया तुम 10 ओवर, दिस इज बैड बैड कैप्टनशिप इनिशियली। उसके बैटिंग की बात करें, बात करते हैं हमारे सबसे बेस्ट प्लेयर जो हमारे यूथ के सपोर्टर है, यूथ ले बोलता है कि जो कुछ भी कर सकता है, चाय पीते पीते छक्का मारता है, उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। हाँ जी, सूर्य कुमार यादव, नॉट सूर्य कुमार यादव। 3 बार डक, एक बॉल डक, गोल्डन डक पे 3 बार आउट होने वाला इंडिया का पहला बैट्समैन हो गया सूर्य कुमार यादव। लास्ट के 11 ODIs में सूर्य कुमार यादव ने 39 रन बेस्ट बनाया है। राष्ट्र के 11 ODI में सूर्य कुमार यादव 7 ODI में 10 रन नहीं पार कर पाया, फिर भी उसको मौका दो। संजू सैमसन को बैठा के रखो, पृथ्वी शॉ को बैठा करो, लेकिन सूर्य कुमार यादव को मौका दो। क्यों? क्योंकि वो मुंबई इंडियंस से खेलता है, इसीलिए सूर्य कुमार यादव को मौका दो, क्योंकि मुंबई इंडियंस से खेल रहा है, उसके लिए उसको टेस्ट में भी खिलाओ। एक बंदा जो T20 में खेल रहा है उसको टेस्ट में भी खिलाओ। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि अगर कोई घोड़ा जो है अच्छा डर्बी दौड़ रहा है तो उसको गधा बना के उसे गधा गिर भी कराओ। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। तुम लोग जो कर रहे हो ना, सूर्य कुमार यादव शुड बी स्टेप डाउन इमीडिएटली फ्रॉम दिस, ही डजंट डिजर्व अ चांस भैया। वो टेस्ट में किसकी जगह खड़ा मालूम है ना, वो जो बंदा सरफराज खान जो इतनी तब परफॉर्मेंस मचाया, वो उसकी जगह खाली है सूर्य कुमार यादव उधर, और इधर संजू सैमसन जो कब से पड़ा हुआ, कब से कर रहा, उसकी जगह खड़ा। अभी लोग बोले, सूर्य के फैन जो बोले कि सूर्य कुमार यादव जो उसको अभी मौका नहीं दोगे तो कब दोगे, अभी कितना मौका दे। इस साल 2023 में 3 महीना हुआ, इसमें 6 ODI खेल चुका है, और कितना मौका चाहिए तुम्हें, कितना मौका चाहिए। और लोग जो बात करते दूसरे बैट्समैन पे आते, लोग जो बात करते शुभमन गिल, भैया शुभमन गिल एक 200 बना दिए तो ऐसा नहीं कि 200 बना दिए तो बहुत अच्छा मानते तुम लोग जो है ना। शुभमन गिल, सूर्य कुमार और ये ईशान सब T20 के प्लेयर है, और इनके फैन भी है ना, सब T20 वाले फैन है। अभी IPL आ गया, ताड़ तोड़ मारेंगे, सब लोग बोले यस 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 सूर्य, ये घंटा है तुम्हारा, घंटा ऐसी टीम से घंटा नहीं तुम जीतने वाले हो कुछ। तुम्हारी टीम किस पर डिपेंडेंट है, तो पूरी टीम डिपेंडेंट है सिर्फ कोहली खेलेगा तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि देखो क्योंकि रोहित शर्मा जो अपने हिसाब से आते हैं, जिस दिन मारेंगे मारेंगे, जिस दिन नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे, तो बाकी टीम पूरी डिपेंडेंट है कोहली पे। और दूसरा, ये अक्षर पटेल को ऊपर क्यों उतारे, सूर्य कुमार यादव को चांस देते ना कि उतारने के लिए, तुम्हारा नाम जो सूर्य कुमार यादव को चांस देते, शून्य पे आउट हो रहा है, चांस देते उसको चांस देते, अक्षर पटेल को ऊपर उतार दिए। अबे सूर्य कुमार यादव फिनिशर है तो फिनिश ही हो जा रहा है यार वो तो। What? अरे बहुत दिल खट्टा हुआ है, बहुत दिल खट्टा हुआ। अभी लोग बोलेंगे कि जडेजा नहीं, अभी जडेजा कैसे मारेगा उस जब वो जिस डाउन पे उतारे हो जडेजा को, उसके पास सिर्फ टेलेंडर्स है, अकेला क्या खेलेगा वो टेलेंडर के साथ। जडेजा को ऊपर उतारते सूर्य कुमार यादव की जगह अक्षर पटेल के ऊपर, तब जाके जडेजा खेल पाता। एकदम नीचे उतार दिए टेलेंडर के साथ, जो उसके साथ बैट्समैन जो भी है, जो 5 रन नहीं बना पाते उसको पर जडेजा नहीं खेल पा रहा। जडेजा इज द बेस्ट बैट्समैन इन दीज ऑल सिनेरियोस, गिवन हिम अ चांस, उसको कभी चांस नहीं मिला। जैसे सूर्य कुमार यादव को बहुत चांस मिल रहा है मुंबई इंडियंस से, तो चांस घटाओ साला, ये लोगों हो गया। अब इस टीम के साथ तुम घंटा वर्ल्ड कप खेलने वाले हो, इंडियन टीम थ्रू है तुम लोगों पे, लिटरली थ्रू है तुम लोगों पे। जाओ अभी बुढ़िया बिस्तर बांधो, सब IPL की तैयारी करो, अब मजे लो। IPL में मिलते हैं भाई लोग, मस्त मस्त देखेंगे मुंबई इंडियंस, आमी मुंबई इंडियंस आए, माँ की आंख तुम्हारी बस।